ये पिताजी को समर्पित भजन है। मेरे भजन का शीर्षक है पिता किसे कहते हैं। कौन जाने दर्द पिता को बिस्तर में छुप छुप रोवे, ओ कौन जाने दर्द पिता को बिस्तर में छुप छुप रोवे, कौन जाने दर्द पिता को बिस्तर में छुप छुप रोवे, कौन जाने दर्द पिता को बिस्तर में छुप छुप रोवे, कौन जाने दर्द पिता को बिस्तर में छुप छुप रोवे, कौन जाने दर्द पिता को बिस्तर में छुप छुप रोवे। और माता पिता गुरु जल्दी बैठो, नहीं मैं साज को इस्तेमाल ज्यादा करवाऊंगा। मैं पिछले भजन में एकदम से बहुत कम करवाया। बेटा आप भी आगे ना आगे बैठ जाओ ना जी, और बराबर बैठे हो भी मुद्रा पेश हो गया। कौन जाने दर्द पिता को बिस्तर में छुप छुप रोवे, कौन जाने दर्द पिता को बिस्तर में छुप छुप रोवे, सुन सको तो आज सुनाऊं एक कहानी खास, सुन सको तो आज सुनाऊं एक कहानी खास, ओ बेटा ने छोट चली गई माता राम के पास, ओ बेटा ने छोट चली गई कवि ने कहा है, कौन जाने दर्द पिता को बिस्तर में छुप छुप रो। पिता को दर्द कौन जाने, पिता घर को मुखिया वे कतो भी दुखी होवे फिर भी दुख की बात चेहरे पर नहीं आने दे, उठा पर नहीं आने। अलग रोने के लिए भी जगह चाहिए, रोने के लिए भी, और आपसे सीनियर या जवाबदार आदमी की आवश्यकता होती है जिंदगी में, और वो कौन होता है, परिवार का पिता होता है। कौन जाने दर्द पिता को बिस्तर में छुप छुप रोवे। एक समय की बात है प्रेमियों, मेरी बात न सुनो, ए भाई बात मत करो, आप बात करो, खड़ी हो सुनोगे, खड़ी हो के कान में कान दे रहे, खड़िया आप रे क्यों जाने, मैं जकी तकलीफ क्यों क्यों समय बिता रहे होते, एक खातर बिता रहे हो, और काकी जी हालांकि तारबंदी कर ली गई तो तू कर की ऐसी किसी तारबंदी करी को नहीं करी, ए बात तो रोज नहीं करो। एक समय की बात है, बात तो सुनो भाई, आप ये मत समझो कि आपने ओके है, मैं अचानक एक बात पल्ले पड़े कणा डांटा कणा लाचारी भोगा कणा हाथ जोड़ा, वो मारो धर्म बने, वो मारो कर्तव्य है, इसलिए कहा कोई मैं तारू मान कठाने के लिए को नहीं कर। एक समय की बात है प्रेमियों, एक गांव के माए एक अरियो नाम को मजदूर रहा कर पानी पिलानिया, अब बेरा तू बैठ जा, ए बजर के मैं बैठ जा, ओए ओए ले जा, ए तेरे पेटारे ले जा, पाछो बाद में पिला दे, देखो ओए ओ बेटा ओ संदीप है, अपने समाज में देखो टाबर भी हो, बोला भी हो, छाना भी हो, जूस की आप बम और जो को काउंटर लगावा, ए छोट के टाबर ने औरू भरियो गिलास औरू गेट दई औरू बदले सी बैठे, आज मैंने क्यों को टाबर हो। एक समय की बात है, गांव के मैं एक अरियो नाम को मजदूर रहा करता, अरिये के घराली को नाम हो रामकोरी राजी राजी क्या करता, अरिये के दो बेटा जन्म ले हुए, बड़े लड़के को नाम प्रमोद छोटे को नाम पंकज, जब पंकज की उम्र चार प्रमोद की उम्र चार साल पंकज की उम्र दो साल हुए, जब
अरे के गराड़ी खत्म हो गया है और आगे की कहानी बने है। अरे सुन सको तो आज सुनाऊं एक कहानी खास, सुन सको तो आज सुनाऊं एक कहानी का, वो एक कहानी का। तो बेटा ने छोट चली गई माता राम के पास, तो बेटा ने छोट चली गई घर माई टाबरिया पे घर में रवे उदास, दिन भर माई टाबरिया पे घर में रवे उदास। अरे टाबरिया के बोले छाने हो, टाबरिया के बोले छाने बाबलिया तो खोवे, अरे बाबलिया तो खोवे। कुल जाने दर्द पिता को बिस्तर में छुप छुप रोवे, कुल जाने दर्द पिता को बिस्तर में छुप छुप रोवे, कुल जाने दर्द पिता को बिस्तर में छुप छुप रोवे। सुन सको तो आज सुनाऊं एक कहानी खास, दो बेटा ने छोड़ चली गई माता राम के पास, प्रमोद पंकज की माँ खत्म हो जाए। दिन भर में टाबरिया घर में रहे उदास, टाबरिया के ओले छाने बाबल आपो खोवे, कुण जाने दर्द पिता को बिस्तर में छुप छुप रोवे। प्रेमी बाप खत्म हो जा, माँ टाबर ने पाल ले, पर माँ खत्म हो जाए तो बाप कारण माँ बेटे को मार गुरु दोस्त एक का वह है, गुरु अपने शिष्य की और माँ अपने बेटे की औलाद की गंदगी से नफरत नहीं करता और करते हैं। बेटो या बेटी मलमूत्र मलत पे तो जा, माँ बिन नुहा दुआ की कालजे के लगा वरने की नफरत कर, बापू मलमूत्र साथ को दी, सच्चाई बात नहीं। अब प्रमोद की पंकज की माँ भी हरी हुई, प्रेमी बाप भी हरी हुई। आई पढ़ाई पढ़ेगी बेटा, आई पढ़ेंगे, चलो डोल कटे वो देख सीखिए, अब आर एल एल भी कर ली, अरे दो टिंगरियां और बिठाई सागे शर्मनी श्री नरेका पर नाम मंडलिए किसी पढ़े हैं। थोड़ी बहुत कौन क्या यहाँ ठंड ठंड गिर ना के और उठावेंगी तू। देखो बात माइत के लिए बेटो चाहे बेटी हो, गलती करेंगे ना बराबरी हो भाई, मैं ताने डांट सकूं बेटा ने भी डांट सकूं। अब मोबाइल देख रही बात अच्छी बात थोड़ी, माँ और पक्ष न मेरी छोरी यहाँ कनकरा तो मई हो आ करने लाग रही, मेरी छोरी कनकरा के वे मायड बन के दो बाबल बेटा का लाडल गावे, मायड बन के दो बाबल बेटा का लाडल गावे, बेटा का लाडल गावे। हर दिन भर माई करे मजूरी बेटा पढ़वा जावे, दिन भर माई करे मजूरी बेटा पढ़वा जावे, ओ बेटा पढ़वा जावे। अरे लोन सो रोटी खावे ताने दूध पिलावे, लोन मृत सो रोटी खावे ताने दूध पिलावे, ताने दूध पिलावे। दर्द की बात वो बाबले, दर्द की बात वो बाबले कीने बात बतावे, अरे कीने बात बतावे। गुण जाने कर पिता को बिस्तर में छुप छुप रोवे, अरे गुण जाने कर पिता को बिस्तर में छुप छुप रोवे, गुण जाने कर पिता को बिस्तर में छुप
मायड़ बन के वो बाबल बेटा का लाड लड़ा। प्रमोद पंकज की माँ भी अरे बाप भी अरे मायड़ बन के वो बाबल बेटा का लाड लड़ावे दिन भर माई करे मजदूरी बेटा पटवा जावे। प्रेमी आज तो तकनीकी जमानो चाल को पहले शरीर का अंग ही मजदूरी करी जाती और लून मिर्चू रोटी खावे बेटा ने दूध पिलावे। माँ बाप कता ही गरीब हो चाहे आप पूरे दिन खेत में काम कर ली और थाल लिते तो जवान हो मारली पिड्डी या मेरों बड़ोड़ी पिड्डी जगह। माँ बाप खेत में गुआर पड़ता सारे दिन लूखी रोटी खाता और अन कोई ने चूरू कोई शिकर पटवाल बेचता कोई कुन उधारो लिया की या मोल लिया की और घी की बरनी भर के देता क्योंकि सच्चाई को नहीं क्या लून मिर्चू रोटी खा बेटा ने दूध पिलावे दर्द की बात वो बाबल किन ने बात बतावे। घर को मौजीज आदमी हो सुननी हो वह जना ही बतावे नहीं बतावे कौन है। समय बीतो गयो प्रेमियो आज तो अपने तकनीकी जमानो है आज तो एक एक अलग अलग परिवार है पर संयुक्त परिवार है। 17-17 आदमी खानिया होता है एक आदमी कमानी हो आ तो घर में 4 आदमी है तो 2 कमावे या 3 कमावे या 4 कमावे और बड़ो ही बड़ो बेटो तो 20-22 साल को जना शादी कर देता और 2 साल बाद में छोरो छोरी हो जाता भी आदमी पर तो वजन आ जाता कि छोटे भाई को ब्याह करनो छोटी भाण को ब्याह करनो परिवार को पालन पोषण करनो और कहकर तो खाने की हुको नहीं तकनीकी जमानो नहीं हो डील का अंग मजदूरी करता तो ये डील ने ज्यादा रगड़ता और 40 साल को तो ने जब दांत टूट की इया का हो जाता जड़ो 80 साल को है पहले मृत्यु दर अब ठीक है 50 साल को आदमी खत्म हो जातो वो अपनो समाज संतुष्ट हो जातो 15-16 साल को बच्चो तो ने कहता ठीक है तबर उछारो जी देखो खर्च कर देता 50 साल का को बूझ लो चाहे समाज ने आज 70 साल को खत्म हो है ना समाज संतुष्ट हो गए क्या ठीक ठीक है क्यों जी और तो मैंने कुकुन दापे है और ये की उम्र है 40-42 साल हो है जना कमर झुक जाए है दांत टूट जाए जबड़ा बैठ जाए बड़ोड़े टाबर की उम्र प्रमोद की उम्र 15 साल है और छोटके की उम्र पंकज की उम्र 13 साल हो है तो दोनों बेटा ने कन्ने बुलावे और कहवे है उम्र होई तेरा 15 की बाबल दांत बतावे उम्र होई तेरा 15 की बाबल दांत बतावे ओ बाबल दांत बतावे अरे तो जाने ना पढ़ा सकूं आ आगे गरीबी आवे तो जाने ना पढ़ा सकूं आ आगे गरीबी आवे ओ आगे गरीबी आवे ओ लोग क्या कुन सोई ओ बाबल को साथ निभावे ओ लोग क्या कुन सोई ओ बाबल को साथ निभावे छोटो बोलो छोटू पढ़ाई हो अरे छोटो बोलो छोटू पढ़ाई क्यों बाबल घबरावे तू क्यों बाबल कुण जाने दर्द पिता को बिस्तर में छुप छुप रोवे कुण जाने दर्द पिता को उम्र हो ये 13-15 पंकज की उम्र 15 साल प्रमोद की उम्र 15 साल पंकज की उम्र 13 साल उम्र हो ये 13-15 की बाबल बात बतावे दोनों ने यू करने बुलावे और कहने लगे दोनों ने ना पढ़ा सकूं आगे गरीबी आवे अब तो गवर्नमेंट फीस का समा
माफ करी है और किताब भी दी पल्ला कौन देता। अरे यो कहना को देखो बेटा, मेरे कहना तो दन नहीं कि दे दोनों भाई पढ़ सको, तारा मु एक जने ने पढ़ाई छोड़नी पड़सी और एक जनो ही पड़सी और एक ने मेरे साथ तेजो पर चालू पड़सी नहीं तो आप लोग घरालो चुल्लू बड़े कोनी कोनी। दोनों लड़का प्रेमियों पढ़ाई में बहुत होशियार है। अरे यो कहने लगे दोनों भाई थे बतला लियो कि मेरे सागे चेजे पर कौन सो साल से और पढ़ने में कौन सो से। बोलो बेटा कौन सो तारे मु बूढ़े बाबल को साथ नहीं बावे। जब छोटो पंकज कहे छोटो बोलियो छोटो पढ़ाई क्यों बाबल घबरावे, कौन जाने दर्द पिता को बिस्तर में छुप छुप रोवे। छोट के पंकज कहने लगे पिताजी आप चिंता मत करो, पिताजी तारा दुख का दिन लहर चला गया, अब मैं दोनों और भाई मोटा जमान होगा, भाई जी पढ़ लिया सिर मत आर सागे चेजे पर फालसो। प्रेमियो 13 साल की कोई उम्र नहीं हो, बड़ोड़ो प्रमोद तो पढ़ने न जाए और छोट क्यों पंकज 13 साल को और चेजे पर जाए, ताने टाबरो बेरो नहीं है। आज जका अर्थ का मारेड़ा आदमी है ना गरीबी का, बाका टाबर छोटा छोटा 8-8 साल का और ओटला पर तांचा का गिलास दोता मिलसी। तो बड़ोड़ो पढ़ने न जाए छोट क्यों चेजे पर जाए तो की बतावे है। बड़ो पे छोटो कमावे अपने भाई के ताई, बड़ो पे छोटो कमावे अपने भाई के ताई, वो अपने भाई के ताई। रोज सवेरा बाबल के संग गीत बनावा जाई, रोज सवेरा बाबल के संग गीत बनावा जाई। बाबा अगले वचन में नाचियो नाचने वालों को नहीं हो तो हाँ बिरा जो रोज सवेरे बाबल के संगीत बना बजाई, रोज सवेरे बाबल के संगीत बना बजाई, वो गीत बना बजाई। भाग खुल गया भी बाबल का हरदम प्रथम आई, भाग खुल गया भी बाबल का हरदम प्रथम आई, वो हरदम प्रथम आई। अखबारा में नाम छपियो जब दुनिया गड़बड़ जाई, अखबारा में नाम छपियो जब दुनिया गड़बड़ जाई, वो दुनिया गड़बड़ जाई। तहसीलदार बनो टाबरियो हो, तहसीलदार बनो टाबरियो नाम बबल को होवे, अरे नाम बबल को होवे, गुण जाने दर्द पिता को बिस्तर में छुप छुप रोवे, गुण जाने दर्द पिता को बिस्तर में छुप छुप रोवे, गुण जाने दर्द पिता को बिस्तर में छुप छुप रोवे, गुण जाने दर्द पिता को बिस्तर में छुप छुप रोवे, गुण जाने दर्द पिता को बिस्तर में छुप छुप रोवे। छोटो बड़ो पढ़े छोटो कमावे अपने भाई के, बड़ो लड़को प्रमोद पढ़ने न जा छोट के पंकज चेजे पर जा। बड़ो पढ़े छोटो कमावे अपने भाई के ताई, अरे रोज सवेरे बाबल का संग ईंट बनाबा चाही, अरे भाग खुल गया भी बाबल का अरदम प्रथम आई। अब वो छोरो प्रमोद पढ़ाई में तो होशियार हो, क्लास में पहलो स्थान, स्कूल में पहलो स्थान, तहसील में पहलो स्थान, जिले में पहलो स्थान, और प्रेमियो चलता चलता एमए कर ले है और आरएस को कंपटीशन दियो बिकम अभी को सिलेक्शन हो जाए। अखबार में नाम आयो, गांव का लोग चर्चा करने लग गया कि भाई यार यू बहुत गरीबी देखी पर आज अरियो को बेटो अफसर बन गयो, अरिये के मांगत सिरे बाबी छूक जिसी और अरिये का बुढ़ापे का दिन भी अच्छा। आज ऐसी लोग चर्चा करे मालिक का आगे दे रहे पणाम दे रहे कौन है, पर प्रेमियो नीति ने कुछ अलग ही मंजूर। ओ टाबरिया ओ भाया ओ भाया, यार क्यों बात कर रहे, बैठ जा तू भी बैठ जा, तू कोई ट्रैक्टर जो लेके आया दिखे तू हम तो जिसु अब कोई लिया मैंने अब तंग बहुत करे बोलो तो घटो उठ के आए है। ये यहाँ को डॉक्टर बन जाने ऑपरेशन ने छोड़ दे बीच में वो निकल हूँ
सुनो भाई, लोग चर्चा करने लग गए, ये का बुढ़ापे का दिन अच्छा कट जाए। प्रेमियों नीति ने कुछ अलग ही मंजूर हो, तहसीलदार की कुर्सी पर जोइन हुए, तहसीलदार बनो टाबर यू नाम बाबल को वे कौन जाने दर्द पिता को बिस्तर में छुप छुप रोवे। ज्वाइनिंग लेटर आयो तीनू बा बेटो, जे स्थिति ही खीर रान की पतासा मंगा की के नारियल मंगा की खुशी मनाव। प्रेमियों ज्वाइनिंग लेटर आवे है छोट के लड़के ने, ए छोरो ए भाई ए बेटा पांच मिनट रोड़ा मत कर, बस तुम माफी चाहूंगा पांच मिनट बैठ जाओ। अरे यो छोट के लड़के ने तो दुकान पर भेजे प्रमोद ने, तहसीलदार ने कहला को देख बेटा आज तो अफसर बन गयो की, पड़ो पंकज तो मजदूर को मजदूर रही बेटा, वो पंकज मजदूरी नहीं करता तेरा छोट के भाई, तू अफसर नहीं बन पा। पंकज ने भूल मत जाई, नहीं वो भगवान माफ नहीं करेगा, और पंकज के साथ बहुत तकड़ो अन्याय होगा। प्रमोद कहने लगे पिताजी भूलिया करो के, फिर क्यों चिंता करो, मैं 20 वर्ष होगा दोनों भाई एक गुदड़ा में लपेट के सोवा आ, वो टाइम में भूल जी थोड़ी ए करियो। कहने लगे देख बेटा तू अफसर बन गयो, गरीब आदमी काम के खातर बहुत तरस है, तू गरीब को काम कर दे जाता ही देखी आत्मा बहुत आशीष देसी। कहने लगे ठीक है पिताजी आप चिंता मत करो। प्रेमी सुबह पंकज और अरियो भी प्रमोद ने ज्वाइनिंग के लिए विदाई दी, वो जाके एक शहर के मैं बड़े शहर में तहसीलदार की कुर्सी पर प्रमोद ज्वाइन करे, और प्रेमी बड़ा बड़ा आदमी आके साफ साफ करने लग गया, वो प्रमोद आपकी औकात भूल को ज्वाइनिंग को बाप ने भाई ने फोन भी नहीं करे कि मैं ज्वाइन कर लिया, समाचार देने और रिपियो पीछे दुख सुख पूछने की तो बात लग गई, फोन भी नहीं करे। और एक लड़की सु संप्रो कागा आपकी सगाई कर ले, लड़की का पिताजी और पूछो के तहसीलदार जी तारे परिवार मिलाओ, तो वो प्रमोद मन में विचार करे ऐ तो धंधड़ा आदमी ही ग्रेनाइट को काम करे, आपा तो अफसर हाँ, आपने वो बाप और वो भाई ऐसी बाका हाथ पगा की दाई फाटेड़ी धोती फाटेड़ी चोड़ी फाटेड़ो आपने कमजोरी हो सी, तो सासरा ने कह लगे मैं मेरे बाप के इकलौती संतान ही, मेरो जन्म हो माँ बाप दोनों मर गया, न मेरे कोई आगे न कोई पीछे। प्रेमी मना कर दे सगाई कर दे फिर भी समाचार नहीं करे, अरे यो पंकज और संतोष कर ले, कुछ घराली बीमार हुई जना कुछ प्रमोद की पढ़ाई के पेटे अरे का, और कोई कोनो पिसा उधारा लिए डा करजाड़ो आके कहना करे रिया यार अब तो मेरा पिसा दित्रो बेटो अफसर बन गो। प्रेमी अरियो हाथ जोड़ के कहने लगे कि मैंने कुछ समय और दो आ कोने कही मेरो बेटो फोन भी नहीं करे। प्रेमी शादी कर ले वो तहसीलदार, बाप ने बेटे ने दोनों ने नुतो ही नहीं दे, चलता चलता बात जद है ये कन पंकज कन पूछे दोनों बाप बेटो बहुत दुखी हो, आपनों कोई भी आदमी हो वो 10 लाख रुपया ले ले पाछा न दे बर्दाश्त कर लिया, पर बिके घर कोई फंक्शन है और नुतो न दे बहुत दुख हुआ। प्रेमी कल्पना करो अरे के और बेटे को ब्याह बजार अफसर बनाए डो और बाप ने भुला बने के गुजरे करजाड़ो आके कहो तो अरियो हाथ जोड़ लिया अरियो दुखी हो जना। पंकज कहने लगे पिताजी आप दुखी मत हो, बात ने संभाले है तारी औलाद जरूर है प्रमोद है, पर मेरो तो भाई है बड़ो, पर सागर लंगोटियो यार है पिताजी बिकी भूलने की आदत है वो भूल गो, मैं जाऊं हूं और बिन समझाऊं थारू कर्जो चुका देसी चिंता मत करो। तो भाई को अरमान लेके और पंकज जठे भी प्रमोद की ड्यूटी बैठे जा है और जाके बिन प्रमोद ने ओड़म दे है और कह लगे रे बीरा अरे भूल गयो बूटो बाबल रे भूल गयो तू भाई, भूल गयो बूटो बाबल रे भूल गयो रे भाई, ओ भूल गयो रे भाई, दुनिया ने ना याद करया तू परण लयो भोजाई, दुनिया ने ना याद करया तू परण लयो भोजाई, तू परण लयो भोजाई, कर्जा वाला घर में आवे तन्ने शर्म ना आई, कर्जा वाला घर में आवे तन्ने शर्म ना आई, वो तन्ने शर्म ना आए, बूढ़ू बाबल याद करे हो,
दर्द पिता को बिस्तर में छुप छुप रोवे। ओ मुड़का ने दर्द पिता को बिस्तर में छुप छुप रोवे। ओ कुड़ी मुड़ा ने दर्द पिता को बिस्तर में छुप छुप रोवे। पंकज कहने तेरे बीरा, अरे भूल गयो बुड्ढो बाबा, दे देवता ने भूल गोरे तो तने क्या पढ़ाया, खाई खोद के बिके आठा की दाई भैया की बीए फटे मेरे भूल गो जो ही नहीं को समाचार को निकलो। भूल गयो बुड्ढो बाबा, अरे भूल गयो तू भाई, अरे बीरा मन भूल गोरे, दोनों ने ना याद करया तू परने लायो बुझाई और तो याद को नहीं करया, तेरे दम तो भूला तो यार नहीं कोने में बैठे खुशी मना लेता जी लेता। भूल गयो बूढ़ो बाबल तू भूल गयो, रे भाई दोनों ने ना याद करा तू परण लायो बोझाई, कर्जा वाला गरमावे तन शर्म ना आई, तेरे पढ़ाई के पेटे माँ की बीमारी के पेटे भी देवता को कर्जो लियो है, वो क्या चुकावर है, तू फोन तो नहीं करियो, रिपियो तो नहीं भेजो, तन शर्म ना आई। और बूढ़ो बाबल याद करे तू बंगला में सोवे, तन गवर्नमेंट बंगलो दे दियो और वो देवता तेरी बाट दीके जिया, ईश्वर के दीके जिया, कि मेरो बेटो प्रमोद आसी घर मकान बना सी और चे मेरी मांगत चुका सी। जद प्रेमी वो तहसीलदार भी छोटे भाई ने जवाब दे है और कहे है, अरे मजदूर हो के मन समझावे मैं बड़ो अधिकारी, मजदूर हो के मन समझावे मैं बड़ो अधिकारी, शहर बिच में घर बिके मर लेवण की तैयारी, शहर बिच में घर बिके मर लेवण की तैयारी, मर लेवण की तैयारी, काम करो और पेट भरो क्यों बनता फिरो भिखारी, काम करो और पेट भरो क्यों बनता फिरो भिखारी, क्यों बनता फिरो भिखारी, मेरी तरकी सुतन ने छोड़ रखिया होवे, अरे तन्ने जलन क्यों होवे, गुण जाने दर्द पिता को बिस्तर में छुप छुप रोवे, गुण जाने दर्द पिता को बिस्तर में छुप छुप रोवे, गुण जाने दर्द पिता को बिस्तर में छुप छुप रोवे, गुण जाने दर्द पिता को बिस्तर में छुप छुप रोवे, गुण जाने दर्द पिता को बिस्तर में छुप छुप रोवे। प्रेमी वो तहसीलदार भी छोटे भाई ने कहे कि मजदूरों की मन समझा तो चेजे पर जानी हूं, मैं एक तहसील चलाऊं जिके ने समझावा, मजदूरों के मन समझावे मैं बड़ो अधिकारी और शहर बीच में घर भी के मर लेवण की तैयारी, मन 5 साल हो गया नौकरी लागे टापरो को लियो और मैं जो को मकान ले सू भी का 5 करोड़ रुपया लाग से। प्रेमी वो तहसीलदार आपकी औकात बोल जा का आपने भी समय में शोको नोट कोई उधारो को तो करोड़ा की बात करने लाग जा, हर गांव की स्थिति है, हर गांव में भी जगह और शोको नोट को नहीं हो बाप की औकात भूलगा। और कहने लगे छोटे भाई ने, काम करो और पेट भरो क्यों बढ़ता फिरो भिखारी, दोनों बाप बेटो तेजे पर जाओ और पेट भरो, मेरे दंड को नहीं मांगो, मेरी तरकी सु तने छोटा किया तने जलन क्यों होवे, मैं तहसीलदार बनगो ना तेरे बोले तन तने में बास दे लाग गई। बाबू जी ओ वजन गा लू 5 मिनट को, बाबू जी कोई बात को नहीं, तो चाह पानी पी के अशोक है मैं तो कोई आने आ लोगा ने के मैं थे खड़िया, मैं तो फिर भी बाबू जी खड़िया होगा, 5 मिनट कोई वजन है बस, 5 मिनट में पाछो तो ही है। ना ये चालू करने दान तारो साइड में चले जाते हैं, चालू करना क्या मतलब है, तो पूरा थे बैठे ही करूं तो नजर सुनो कि जब टाबर पानी पियो जब भी मैं टोक रही हूं,
फिर भी कि जकी आप बात करें अभी को मोल खत्म हो जाना बाबू जी जको माहौल खत्म हो जाना है फिर वो बात को बांदरों बन जा फिर गाओ और चल है कि दस बन गया हाँ बडोड़ो भाई तहसीलदार बन गयो क्यों बन गयो मैं तहसीलदार बन गयो नहीं 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 मैं तो सुनो के मन में कह दियो जो ना एक पर मैं ना मेरी तो ये कोई बात को नहीं पांच मिनट और के दो पूरा कर दू बस यार मन तो थे पहले कहता ना तो मैं पहले ही छोड़ देता हूँ अब बाबू जी अब सगड़ा काम किया मैं बाद में सुना दू कोई बात को नहीं आप सुनाओ आओ आज अच्छा 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 पूरी कर दो इतना तो कर दे तो मैं तो पूरी बलवात पिता गुरुदेव की जय इससे भजन का भी बाबू जी संदेश है ऐसा नहीं कर रहा हूं कुछ न कुछ समाज को संदेश है इसमें भी और गाने के लिए रोज गाते हैं और अरे बात है को न के तू भी बड़ो भाई बन गो जना बो तो सुनो के अठी आ जा ने जो भूख होगी बेगे तो बो बीन मरो चाहे बीननी मरो बमण को टक्को तो प्यार है नहीं सब माद की तो कोई बात को नहीं पड़ा की बात है अर बे सुनो के बबजी जी की सोकनो जे जे की करे नहीं लागी जे के है भी कमा के जे करे तो भी कौन जाने दर्द पिता को किस कर में छुप छुप रोवे ओ कौन जाने दर्द पिता को किस कर में छुप छुप रोवे कौन जाने दर्द पिता को किस कर में छुप छुप रोवे मेरी तरकी सुसन छा छा किया हो मेरी तरकी सुसन होवे अरे तने जलन क्यों होवे कौन जाने दर्द पिता को बिस्तर में छुप छुप रोवे ओ कौन जाने दर्द पिता को बिस्तर में छुप छुप रोवे कौन जाने दर्द पिता को बिस्तर में छुप छुप रोवे वो तहसीलदार प्रमोद कहने लागयो सुन भाई मेरी तरकी सु तने छोट किया तने जलन क्यों होवे मैं अफसर बन गो तेरे वास्ते लागी प्रेमियों वो पंकज कहे तो बाई को अरमान लेके मिलने गयो और जब ए शब्द सुनया पंकज कहीं होगी अपन बाई तो ठिया थी कोई आप तो एक अफसर हो एक तहसीलदारू मिल रहा अपन बाई के तो थो ठिकाणो ही कोई आपको समुंडो लेके पाछो घर आ गयो अरे जिन्हें आके कहना कि पिताजी थे जो कि बाई जी से आस कर रखिए बस छोड़ दे न तो बाई जी आऊंगा न एक रुपये भेजेगा प्रेमी तो नाम सुनता ही तन कर्जदार आ गया है और आखी अरिया ने कहना गिर अरिया अरिया तू तो बेईमान है अरिया तू जो कदने मेरा पिसा लिया हा बेईमानी सु लिया खाने खातर लिया तेरो बेटो अफसर बन गो 7 साल होगा तेरे कन कशा रिपिया को नहीं ऊंची नीची बात कह रही है कि आंखें में आंसू चालन लाग जा बस नहीं अति सुनता ही पंकज कहने लागो बोले सुनो सेठ जी मेरे पिता ने एक शब्द कहने की जरूरत नहीं तारो कर जो मैं चुका छू सेठ जी कहना तू चेजे पर जानी हो 500 रुपया लेनी हो मेरे कर्ज चुका सी तन बेरो के कहता 45 लाख रुपया मांगू मैं पंकज कहना गया सेठ जी मैं तारे बंधवा मजदूर रजिश सेठ जी कहना गया 15 साल लाग से बोले सेठ जी मैं तारे 20 साल रजिश पर मेरे बाप ने एक शब्द कह दियो तो ठीक नहीं है प्रेमियों चुको और अनपढ़ बैठो मजदूर ही पर जानियो वो आपके बाप के कर्जे के पेटे बिक गया है बंधवा मजदूर रजिया और जो तहसीलदार बनो
वो नटकी खड़ो हो जा जब पंकज बिक्यो जब अरियो अपने आप ने क्वेश्चन लागो कि अरिया जके दिन ओ तेरो निर्णय हो ई पंकज ने मजदूर तू राखे जके दिन तू निर्णय करतो के प्रमोद तो मेरे सागे चे जबरजाल सिर ओपन न दसी तो आज ओ अफसर बन कोर बोठे मजदूर ओ तो पण आपा ई पंकज का दोषी आपा तो आपको देखियो अपनी औलाद तो है आपा बिन समझा से आपा ऊंचा नीचा हो जैसे जठे प्रमोद की ड्यूटी प्रेमियों बठे और वो अरियो जाए है गरीबी ही फाटेड़ी सी धोती सरकार दाडी का बाल बदरिया दोनों हाथ पगा के दाई फाटेड़ी चाल की गयो ऑफिस में पढ़ने लागो बटे भी ऑफिस को तहसीलदार ऑफिस को चपड़ा सी रोक ले अरियो ने कि बाबा कहाँ जा रहे हो अरियो कहना लगे मन रोको मत अठे जो तहसीलदार है वो प्रमोद मेरो बेटो है चपड़ा सी कहना लगे बोले बाबा वो कोई कोई बेटो छे आदमी बहुत नीच है प्रेमी अरियो ने पहले भी और मिल गया सबूतर एक और मिल गो फिर भी जाए आगे नहीं सामने बैठो ऑफिस के मां तहसीलदार बैठो अरियो की इतनी बड़ी बात नहीं के ऑफिस के मां बढ़ जाओ ऑफिस के बाहर ने रुक जा है और मुंडो काट के कह है बेटा प्रमोद प्रेमियों वो नहीं चम सर आपके बाप की शक्ल देख के नीचे ने घूण गाल दे अरे को असलो और टूट जा है अरे ऑफिस के बाहर ने बैठ जा 15-20 मिनट ने खुद ने संभाले है और मत कर की और मुंडो काट के बेटा प्रमोद प्रेमियों अफसर और नीचे घूण गाल दे है तहसील का मां भी तहसीलदार को एक साड़ू बाबू हु कल रखो वो आके तहसीलदार ने कह लगे साहब बाहर ने एक बुढ़ो सो बाबू कईदार वो आवाज लगा दे साहब तारे सो मिलनो सारे बाबे को कोई काम होगो तहसीलदार कह लगे बोले बाबा बुबा कुछ नहीं है ये मेरे खेत का हाली है और 100 रुपये शराब के लेने के लिए रोज आ जाता है और अरिये ने सुना के कहने लगे बाबा मेरे पास पैसे वैसे कुछ नहीं है चले जाइए यहाँ से मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता प्रेमियता दिन तो लोग का खुद के बेटे के मुंडो आ रही हो बात सुनी बटे धरती फाटी नहीं आ रही हो धरती का मां समाज और कह रहे हैं इतनी बात सुनी बेटे बाबल की आंखा सिसकी इतनी बात सुनी बेटे बाबल की आंखा सिसकी बाबल की आंखा सिसकी आसमान तो डोल गया पैरा की धरती खिसकी आसमान तो डोल गया पैरा की धरती खिसकी पैरा की धरती खिसकी माई बाप को छोटा लागे हो माई बाप को छोटा लागे अतो बड़ो मत होवे अरे अतो बड़ो मत होवे कौन जाने दर्द पिता को किस तर में इतनी बात सुनी बेटे की बाबल की आंखें सिसकी अरे के आंखें आंसू आ जाएं आसमान तो डोल गया पैरा की धरती खिसकी और माए बाप तो छोटा लागे अतो बड़ो मत होवे अरे ये सूर्य भगवान का नहीं हाथ जोड़ की कहे मालिक ऐ के नालायक औलाद मन तो दे दी कोई बलाद बिन मत दे नहीं वो जीवे कोने प्रेमियों शहर सुचाल की भी तहसीलदार की ऑफिस सुचाल की अरे गांव आवे दो बेटा दिया भगवान एक तो कर्जे के पेटे बिक जा एक अफसर हो कि अरे सुबह चलो जा अरे की तो वह गरीबी भी भैया नहीं रही घर एक लो बचो आदमी कतो भी दुखी हो प्रेमी हो फिर भी शरीर में नाज देनो ही पड़े जिया कि सूखी लुकी रोटी ही अरे खाने को प्रयास करे है इतान ने एक पड़ोसी आके कहना क्यों अरे राम तेरो बेटो जो को छोट के पंकज सेट कर रहे दिन के बरू बंदवा मजदूर रहे वो आज 10 दिनों बीमार है रोटी भी को नहीं खाई
सेठ तेरे बेटे ने डॉक्टर के भी दिखायो नहीं बिन मारियो और तो नाम सुनो प्रेमियो अरियो तो हाथों रोटी छूट जाए है अरियो अपने आप लोगों से के औलाद की गलती नहीं और फिर भी वो बाप भी की रक्षा नहीं करे भी बाप ने धरती के ऊपर संतान पैदा करने को हक नहीं है और कह रहे हैं बस एक मिनट में माता जी दो ही मिनट को भजन पूरा जी बैठ जाओ हाथा से रोटी छूट गई वो गयो धरन पर लेट हाथा से रोटी छूट गई वो गयो धरन पर लेट वो गयो धरन पर लेट भूख भाग सारी मिट गई आंसू से भर गो पेट भूख भाग सारी मिट गई आंसू से भर गो पेट आंसू से भर गो पेट तेरा जी तू मने बुला ले अमरापुर में खेत तेरा जी ए माता बहनों दो मिनट में भजन पूरो जी अति सुनो हाथ जोड़ के आगे रहता रहूं हो जठे बैठ जाओ दो मिनट बैठ जाओ बैठ आप भी बैठ जाओ दो मिनट में पूरो जैसे बस गिनते घड़ी में देख लो फिर जय बोल की फिर चले जाओ जी ए राजी तू मने बुला ले अमरापुर में भेट ए राजी तू मने बुला ले अमरापुर में भेट ओ अमरापुर में भेट पाप से पटकर ही दुनिया में खो पाप से पटकर ही दुनिया में राम खून होवे अरे राम खून होवे गुण जाए दर्द पिता को बिस्तर में छुप छुप रोवे आता से रोटी छूट गई वो गयो धरन पर लेट आता हूं रोटी छूट जा है भूख भाग सारी मिट गई आंसू से भरगो पेट स्वर्गवासी पत्नी की फोटो टंगरी गरा वा फोटो छाती पर लेके यू कहने लाग जे ए राजी तू मन बुला ले अमरापुर में फेट मेरो अब समाज में जीने को मन नहीं मन भी कर बुला ले बाप से बढ़कर ये दुनिया में राम कुणो है कवि ने कहा है इस सामाजिक जीवन में सबसे बड़ा देवता सबसे बड़ा राम है तो उसका पिता है उससे बड़ा कोई देवता नहीं है ताली तो बजाऊ कम से कम पिता से बढ़कर इस दुनिया में राम कुण हो गए पिता घर की छत है पिता घर की छत है पिता घर का प्रकाश है पिता एक ईश्वर है पिता एक विश्वास है प्रेमियों आज की कुआवत चादरी ने बापू होटल में जी में एक कलेक्टर बन गो भी को बाप मिलन न गयो सामने की कुर्सी पर बैठो और पिता कहने लगे कि मैं इस जिले के सबसे शक्तिशाली आदमी के सामने बैठा हूं वो बेटो बोले ना पिताजी बात करता करता कलेक्टर बेटो कहने लगो मेरे तो संभागीय आयुक्त बड़ो हुए मुख्य सचिव बड़ो हुए मंत्री जी बड़ा हुए चलता चलता बात करता वो पिता आपकी कुर्सी खड़े होकर घूमतो घूमतो कलेक्टर बेटे के लेरना की पीठ पर हाथ रखियो और वो कलेक्टर बेटो कह लागो बोले पिताजी इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी मैं हूं पिता कह लागो यार बार तो जिले को ही को नहीं बताऊ बेटो कह लागो कि पिताजी भी टाइम थे मेरे सामने बैठा इस दुनिया में वो व्यक्ति सबसे शक्तिशाली है जिसकी पीठ पे पिता का हाथ हो आप उस समय मेरे सामने बैठे थे अब आपका हाथ मेरी पीठ पे इसलिए मैं शक्ति प्रेमियों सामाजिक जीवन की वो कड़ी है पिता बेटे की बेटी कितनी बड़ी गलती हो पिता की गलती नहीं फिर भी गांव के सामने और के मेरे का नहीं देख के माफ करो आपका सर की पगड़ी गांव के सामने आपकी औलाद के पेटे और वो पिता दे दे और इस संसार में कोई देनी नहीं है प्रेमियों और यो खत्म हो जाए वो चुगली चाला लो काम सगले चालतो रहियो वो तहसीलदार पड़ोसी हूं बात कराया कर तो पड़ोसी सूचना दे दे है कि अरियो खत्म हो गो या घरेली ने कह के आयो कि मेरे गांव में मौत होगी मैं जाके हूं सरकारी गाड़ी लेके आयो छोटे के बेटो पंकज आज है गांव का समाज का सारा लोग बाग बैठे आता ही और वे तहसीलदार ने गांव का कहना गया प्रेमियों गांव राम बराबर हो गांव का लोग कहना गया कहीं आए हैं बोले मैं बेटो बड़ो बेटो हूं अग्नि मुखांगनि देने आयो पिंड दान करना आयो गांव का समाज का लोग कहने लगे जब कदनी जरूर थी जब कदनी तू फोन ही को निकली
अरे वो क्या दुख पाकी तन पढ़ायो अफसर बनायो, अरे नालायक अने लकड़ी देनी है बस तो मैं दे दिया। कह लगे चले जाओ गाड़ी लेकिन बस ते लगा देना। प्रेमी भाई तहसीलदार का पग नहीं टीके, वो पाछो शहर जा है। घराली कह लगी थे तो मौत मगेड़ा साची निकल गई के गांव का काट दियो। घराली बोली मैं चल सू। घराली ये बैठ के आवे गांव के लोग कह लगे मेरे पति ने पाछो क्या काटो। गांव का लोग कहने लगे कहा के छोटा छोटा की मां मर गई ही गरीबी बहुत ही ओ हरिओं ने क्या पढ़ाया ओ अफसर बनया बाद में नशो को नोट भेजो न मिलन नयो तो आ जाए इको के करा। घराली कहने लगी कि मेरा पिता भी बुझियो के तारे परिवार में लयो ओ झूठ बोलो पर इको दोषी तो ओ है मने दोष थोड़ी देशो। घराली कहने लगी तहसीलदार के मन ने सास ने देखियो ने ससुर ने देखियो। पहले तो आपका पिसा ले आवे गणुबादी बेच की और भी सेठ को कर्जो चुकावे और भी देवर पंकज ने लियावे है। और कहने लगी इस सामाजिक जीवन का सबसे बड़ा देवता तो मेरा तो ये देवर पंकज है, मैं इसकी पूजा करूंगा। प्रेमी वो नालायक भाई तो बयाल को हो और बाबो जाई बयाल की निकली अठे जका थे कोई कर्मचारी रिटायर हो या वर्तमान में हो थाने जे की तनखा मिले या तन पिसा मिले बी के ऊपर तारे लुगाई को और तारे टाबरा को एकला को हक नहीं है। आप बे दिन याद करो ते सेकेंडरी की परीक्षा देने गयो काको को बेटो टूर ती सर्दी में और ताने बैठे छोड़ने में गयो बी को भी हक है। वो बुआ को बेटो वो मामे को बेटो थे नौकरी लागे वो आपके गांव में मिठाई बांटते फिरो के मेरे बुआ को बेटो नौकरी लागे मिठाई खाओ बाको भी हक है। थे लुगाई टाबरा ने बुझोगा बन बेरो नहीं आको के रिश्तो तो तारे सु मेरो आग्रह है कि बन बस यदि मिस यूज करता हूं 10 को नोट ही मत दियो यदि बन जरूरत हो बाकी मदद करियो। थर लुगाई टाबरा को एकला को हर को नहीं अपीसा पर नहीं वो भगवान माफ नहीं करेगा कीड़ा पड़ेगा जीवता जीवता का। तो ये संदेश ये था कि सबकी मदद करनी चाहिए और उसको भूलना नहीं चाहिए। आखिर में आखिरी लाइन है आप सभी से अब मैं चाहूंगा कि दोनों हाथ उठा करके एक बार ताली बजा दो दोनों। कौन जाने दर्द पिता को बिस्तर में छुप छुप रोवे उठाओ ताली उठाओ दोनों हाथ हाँ हाँ ताली बजाओ 1 2 3 4 कौन जाने दर्द पिता को बिस्तर में छुप छुप रोवे कौन जाने दर्द पिता को बिस्तर में छुप छुप रोवे मकड़ी नाची वहां।